नासदासिन्नो सदासित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीद् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। अंग्रेजी हुकूमत और तालीम की वजह से उभरने वाले नए बुर्जुआई तबके में ज्यादातर ऊंची जात के हिंदू ही थे, जिन्होंने दलितों पर, जो ज्यादातर खेतीहर मजदूर थे, अपने अत्याचार जारी रखे। पुराने अंधविश्वास और कुसंस्कार, जिनकी बुराइयां सब जानते थे, जानबूझकर कायम रखे गए। दलितों, हरिजनों और पिछड़ी जातियों में ज्ञान और शिक्षा के फैलाव पर रोक थी। उन्हें गांव और नगर के समाज से परे रखकर उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। ब्रिटिश राज और पश्चिमी उदारमतों और बुद्धिवादी विचारों के फैलाव ने जाति प्रथा के सामने नए सवाल पैदा कर दिए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि सुधार का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इस आंदोलन की नींव डालने वालों में एक थे पूना के ज्योतिराव फुले, जिन्होंने सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था मनुष्य मात्र के बड़प्पन को जात पांत के बंधन से दूर रखकर प्रतिष्ठा दिलवाना। दादा, पिंडे साहब का मकान कौन सा है? यही तो सामने वाला। यही ना। माली जाति में जन्मे ज्योतिराव फुले ने गैर ब्राह्मणों में शिक्षा के प्रसार की जरूरत महसूस की और सन 1848 में पूना में पिछड़ी जाति वालों के लिए एक पाठशाला खोल दी। समय हो गया, मेरे विचार में अब और कोई नहीं आएगा। दोस्तों, बच्चों, इस पाठशाला का औपचारिक उद्घाटन करने से पहले मैं हम लोगों की तरफ से उन सभी का आभार मानता हूं जिन्होंने हमारे लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हमारी सहायता की है। सबसे पहले मैं श्रीयुत भिड़े साहब का आभारी हूं जिन्होंने हमें इस कोठरी में पाठशाला चलाने की अनुमति दी। मैं उन मिशनरी अध्यापकों का भी आभारी हूं जिन्होंने हमें तरह तरह से प्रेरणा दी है। और सबसे अंत में मैं अपने ब्राह्मण मित्रों को धन्यवाद देता हूं जो सनातनी ब्राह्मणों के दबाव में रहते हुए भी हमारे साथ रहे हैं
और हमारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद दे रहे हैं। अब मैं इस पाठशाला की प्रेरक शक्ति श्री ज्योतिराव फुले से प्रार्थना करता हूं कि वे पाठशाला का उद्घाटन करें। आज का दिन बहुत भाग्यशाली दिन है। कुछ बरसों पहले मैं अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी की बारात में शामिल हुआ था। मित्र के रिश्तेदारों ने मुझे देखा और चले जाने को कहकर मेरा अपमान किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम शूद्र हो और शूद्रों को अधिकार नहीं कि ब्राह्मणों के कंधे से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी वजह से तमाम बारात भ्रष्ट हो रही है। उन्होंने और भी बहुत सी बातें मुझसे कही जिन्हें मैं यहां दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं उतरी। पूरी रात मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते रहे और उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। धीरे धीरे मेरे मन में यह बात आ गई कि हमें आत्मसम्मान पाने के खातिर संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा, हमें हथियार उठाना पड़ेगा, लेकिन लाठी नहीं, तलवार नहीं, तोफ तमचा नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और सही शब्द। और ज्ञान, विचार और शब्द शिक्षा के बल पर ही मिल सकते हैं। क्या भट्ट पुरोहित हमें शिक्षा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वे अपने हाथों से ऐसा हथियार हमें नहीं सौंपेंगे। इसलिए हमें खुद अपने को शिक्षित करना पड़ेगा। मेरी पत्नी सावित्री मेरी पहली शिष्या है, अब वो तुम्हें पढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। हम इस तरह ज्ञान फैलाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही वो दौलत है जिसे आपस में बांटना बहुत जरूरी है। यह हमारी पहली पाठशाला है जो छोटी जाति की लड़कियों के लिए खोली गई है। यहां लड़कों का हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास है कि लड़कियां ही आगे चलकर हमारी भावी पीढ़ी को आकार देगी। विरोध तो इस काम का होगा ही, लेकिन हमें साहस के साथ काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आप लोग शिक्षा पाने में सफल हो। अच्छा बच्चों, अब तुम सब घर जाओ, कल से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी। इसे रोज रोज लाना जी। हम इसे बहुत सी बातें सिखाएंगे, पढ़ना लिखना, कुछ व्याकरण, कुछ गणित जी। इसे रोज लाओगे ना? जी रोज लाए। धर्म भ्रष्ट करने वालों का ऐसा ही होता है। तू हिम्मत रखो सावित्री, ये तो शुरुआत है। उनका समाज हम पर कीचड़ी उछाल सकता है और कर ही क्या सकता है। रुका सड़ा हुआ समाज, अपने हाथों पैदा किए दलदल में धंसा हुआ समाज है वो। जब हम कुनबी किसान शिक्षा पालेंगे तो कुल समाज को उलट कर रख देंगे हम, सारे कालीमा धो देंगे हम। सावित्री, तुमने जो काम शुरू किया है वो बहुत साहस का है। ये मामूली औरत की बूते की बात नहीं कि घर की दहलीज पार करके बाहर निकले और पढ़ाने का काम करे। तुम गर्व से माथा उठा कर चलो सावित्री, एक दिन साबित हो जाएगा कि हम ही सही थे। क्या हुआ ज्योति, क्या हुआ भू को? नहीं कुछ नहीं बाबा। तो फिर रो क्यों रही है? साड़ी पर ये गोबर और कीचड़, क्या बात है? नहीं, वो पाठशाला से लौट रही थी तब कुछ लड़कों ने उस पर कीचड़ और गोबर फेंका। तो क्या फूल बरसाते? ज्योति, मैंने तुम्हें बीसियों बार समझाया है कि धर्म कर्म का मामला है, तुम बेकार टांग मत अड़ाओ। शूद्रों को और औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम मानते ही नहीं। वो पाठशाला खोलकर तुमने पूना के हर ब्राह्मण को अपना दुश्मन बना लिया है। हर ब्राह्मण नहीं बाबा, कुछ समझदार ब्राह्मण हमारे साथ भी है।
तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा वही मैंने गलती की। उन पादरी मास्टरों ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है। उसी वक्त मैं अपने समाज के लोगों की बात मान लेता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अरे तुम्हें करना हो तो करो, जिद्दी आदमी ठहरे, लेकिन मेरी बहू को उसमें क्यों घसीटते हो? क्योंकि शिक्षा ही इस देश को और हमारे धर्म को बचा सकती है। ये तभी हो सकता है जब हर एक को शिक्षा पाने का मौका मिले। मैं अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं कर रहा हूं बाबा, मैं उसे सुधारना चाहता हूं। मैं आप ही से पूछता हूं कि यह कानून किसने बनाया है कि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है और शूद्रों को नहीं है? यह ब्राह्मणों का बनाया हुआ कानून है, नहीं है? यह सब भगवान की आज्ञा है। भगवान को इसमें क्यों घसीटते हैं आप? किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई किताब भगवान ने कभी नहीं लिखी। हर किताब मनुष्य ने लिखी है और धर्म पंडितों ने बार बार कहकर यह बात हमारे दिमाग में भर दी है कि यह भगवान की आज्ञा है, ताकि हम कोई सवाल नहीं उठा सके। देखो, शूद्रों और औरतों को भगवान के नाम पर दबाया गया है और कुछ नहीं है। देखो ज्योति, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे पुरखों ने कुछ नियम बनाए हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए, बस। मैंने भी एक नियम बनाया है बाबा। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं तुम मत घबराओ। धिक्कारो मनु की आज्ञाएं, शिक्षा पाओ और दिलाओ। शिक्षा का आनंद महान, ज्योति का कहना लो मान। बकवास। उन गृहस्थानी स्कूल के मास्टरों ने तुम्हारे दिमाग में ये खुराफात भर दी है। और फिर किसी ने आपको यह भी बताया होगा कि मैं ईसाई बन रहा हूं। क्या, ईसाई? सच? धर्म बदलना समस्या का कोई हल नहीं है। हालांकि ईसाई धर्म की कई बातें मुझे सही और सच जान पड़ती है, फिर भी मैं हिंदू ही बना रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं हिंदुओं के विचार में सुधार लाना चाहता हूं। देखो ज्योति, मैं एक ही बात समझता हूं और वो ये है कि तुम्हारी वो पाठशाला बंद होनी चाहिए और बहू का पढ़ाना भी खत्म होना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। सब हो सकता है। देखो ज्योति, मैं तुम्हें आखिरी बार बता देता हूं कि अगर तुमने मेरी और अन्य लोगों की आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी के लिए इस मकान में कोई जगह नहीं है। तुम्हें यह मकान छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्जी। हम हमारे विचारों में बदल नहीं कर सकते, इसलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। सावित्री, अपना सामान भरो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। भरो सामान जल्दी। ज्योति तो पागल हो गया है, निराट पागल। अरे ज्योति बा, कौन? ओ आइए आइए, अन्ना साहब चिपलूनकर, आइए विराजिए। ज्योतिबा, हमने आपके कष्टों के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ये तो होना ही था अन्ना साहब। मुझे तो इस बात का बहुत बुरा लगा कि हमारी पाठशाला बंद हो गई। यहां रहकर उसे चला पाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोग जल्दी नई पाठशाला खोलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आपसे मदद मांगने आए थे। कहिए। वही दक्षिणा प्राइस कमेटी वाला बखेड़ा, कुछ जानकारी रखते हैं आप? हाँ जानता हूं। पेशवाओं के जमाने से हर साल ब्राह्मणों को खजाने से बतौर दक्षिणा कुछ रकम दी जाती थी। ब्रिटिश सरकार ने इस रिवाज को जारी रखा। सुना है कुछ पढ़े लिखे ब्राह्मण चाहते हैं कि दक्षिणा की रकम मराठी लेखकों को दी जाए, ऐसे उठाकर अहरे गहरे ब्राह्मणों को न दी जाए। और यह भी सुना है कि इस बाबत गवर्नर के पास अर्जी भी भेजी गई है। ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपका उससे क्या संबंध? मैंने उस अर्जी पर गोपाल हरि देशमुख, विष्णुपंत रानाडे और विष्णुपंत भिंडे के दस्तखत लिए हैं। तो फिर झगड़ा यह पड़ गया है कि सनातनी ब्राह्मण इसका कट्टर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नर को लिखा है कि दक्षिणा का मामला धार्मिक है और गवर्नर को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सनातनी लोग चाहते हैं कि सड़े गिले रिवाज बरकरार रहे। क्या धार्मिक गर्व है, क्या देशभक्ति है।
और यही लोग ब्रिटिशों को मार भगाने की डिंग हाँकते हैं। अपने को तो इतना सा भी नहीं बदलेंगे, लेकिन अंग्रेजों का तख्ता पलटेंगे और मेरे बारे में कहते फिरेंगे कि मैं देशद्रोही हूं। खैर छोड़िए, मेरे योग्य क्या सेवा है। हमारा ख्याल है कि अगर अर्जी पर आपका नाम रहेगा तो सनातनियों को 10 बार सोचना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि सनातनियों का खून और भी खौल उठेगा। लेकिन ज्योतिबा, वो आपसे डरते हैं। अन्ना साहब, अगर आपका ख्याल है कि मेरा नाम देने से आपका काम बन सकता है तो बेखटके मेरे नाम का इस्तेमाल करें। मराठी भाषा का उत्थान मेरी निगाहों में शूद्रों और अतिशूद्रों का उत्थान है। बिल्कुल ठीक, सनातनियों ने उन सभी के खिलाफ कार्यवाही करने की ठानी है जिन्होंने अर्जी पर दस्तखत किए हैं। कल उन्होंने उन सभी को पंचों के सामने बुलाया है कि वो आकर बताएं कि वो संस्कृत का विरोध क्यों कर रहे हैं। अच्छा ज्योतिबा, अर्जी पर दस्तखत करने वाले हम संख्या में बहुत कम हैं और सनातनी तो भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। हमें डर है कि कहीं मारपीट ना हो जाए। उसकी चिंता मत कीजिए अन्ना साहब, मैं शूद्र कहलाने वाले 100-200 अखाड़िया पहलवानों को आपके हिफाजत के खातिर रख दूंगा, फिर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन क्या नजारा होगा, मराठी प्रेमी शूद्रों के संरक्षण में सुधारवादी ब्राह्मणों का जुलूस। कोई बात नहीं, आम आदमी की भाषा को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। आप चिंता मत कीजिए अन्ना साहब, हम इस दक्षिणा वाली पुरातन रूढ़ी को बंद करके ही रहेंगे। बड़े शर्म की बात है कि तुम लोगों को रहते जुलूस शांति से निकल गया, अब वो लोग विजय मनाते घूम रहे होंगे। हम उन शूद्रों के साथ अकेले कैसे निपटते, चारों तरफ वही वही दिखाई पड़ रहे थे। और वो फूल वाला फूले वही इन सब प्लाटों की जड़ में है, उसी ने शूद्रों को उकसाया है, उनकी ये हिम्मत। और हमारे बिरादरी वाले ब्राह्मण सबके सब भ्रष्ट हो गए, मदद मांगने दौड़े दौड़े उन्हीं के पास जाते हैं। सुना है फूले ने नई पाठशाला खोल दी है। कहां? पुराने गंजपेट में। विष्णु पंत थत्ते नाम का एक ब्राह्मण वहां पढ़ाने भी जाता है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, अब बर्दाश्त नहीं होता, थत्ते मास्टर का जीना मुश्किल कर दो। हर समय दिन हो या रात उसे परेशान करो, जाति द्रोही कहीं का। और वो फूले, वो भी आसमान छूने चला है। अब वक्त आ गया है कि उसका पक्का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाए हमेशा के लिए। बोलो तुम लोग। रामोशी, तुम्हारी हत्या करना है। क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये हमें नहीं पता, हमें सुपारी मिली है 1,000 रुपए की। अच्छा अच्छा, अगर मुझे मार डालने से रामोशियों का फायदा होता हो तो चलाओ कुलाड़ा, चलाओ ना, चलाओ। सावित्री, हमने इन्हीं लोगों के बच्चों के पढ़ाने का व्रत लिया है, उसे याद रखना और मेरे मरने के बाद भी उस काम को जारी रखना। क्या क्या कहा तूने? मैंने अपने पत्नी से कहा कि मेरे मरने के बाद शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम बंद मत करना। शूद्रों के भलाई के खातिर काम करते करते मैं तुम्हारे हाथों मारा भी जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि तुम शूद्रों को पढ़ाते हो। वो क्यों बताते, वो क्यों बताते? उन्होंने हमेशा तुम्हें ज्ञान पाने से दूर रखा और चोरी डकैती हत्या का काम करके पेट भरने को मजबूर किया। वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि तुम अपने हाथों अपना ही सफाया कर दो। 1,000 रुपये कब तक पूरे पड़ेंगे? क्या तुम्हारे बेटे नाती पोते तुम्हारी तरह अपराधी बने, पढ़ लिख कर इंसान न बने, जंगलों में छिपकर जिंदगी बिताए? 1,000 की रकम ज्यादा है या संतानों की जिंदगी, बोलो। ब, बकरे का ब, बकरे का ब, न, न, नगाड़े का न, नगाड़े का न, ग, ग, गणपति का ग, गणपति का ग, बोलो। बकरे का ब, नगाड़े का न, गणपति का ग। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो भाई? हमें पहचाना? हाँ, क्या काम है भाई? हमें पढ़ना है, आदमी बनना है। हम अपने बच्चों को साथ लाए हैं, तुम इन्हें पढ़ाओगी। हम भी पढ़ेंगे भाई,
अच्छा बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ और जो मैं बोल रही हूं उसे दोहराओ। बोलो, बकरे का ब, बकरे का ब, नगाड़े का न, नगाड़े का न, गणपति का ग, गणपति का ग। सावित्री भाई, अरे तत्ते गुरु जी, आप दो दिन से पाठशाला में पढ़ाने नहीं आए, सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक तो क्या, अब घर से पाठशाला तक जाना मुश्किल हो गया है। क्यों, क्या हुआ? कुछ लड़के मेरा पीछा करते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं, मारने की धमकी देते हैं। डर लगता है कि कहीं मैं पाठशाला में रहूं और वो मेरे घर जाकर मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज करे और तमाशा खड़ा हो जाए। बड़ी आफत है वहां वो अकेली। तब यही ठीक होगा, आप पाठशाला में ना आए, जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता हम लोग संभाल लेंगे। नमस्ते। नमस्ते भाई, एक और बात थी। क्या बात है, कही है? मेरे एक मित्र हैं, बहन उनकी विधवा है, उसके यहाँ एक बखेड़ा खड़ा हो गया है, वो मदद चाहते हैं। कैसा बखेड़ा? अब ये सब सड़क पर कैसे कहूँ, आप मेरे साथ उनके यहाँ चलेंगी? मैं घर पर कह के नहीं आई हूँ। नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, यहीं पास ही में रहते हैं वो लोग, मैं आपको बाद में घर पहुंचा दूंगा। चलिए चलिए भाई। केशवराव, आप सावित्री बाई को सब बता दो, इस झमेले से अगर कोई उबार सकता है तो सिर्फ सावित्री बाई और उनके पति ज्योति बाई उबार सकते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। वो सब छोड़ो, अब सावित्री बाई को सब बता दो। क्या बताएं विष्णु पंत भाई, मेरी बहन काशी बाई 2 साल पहले विधवा होकर घर लौटी, उसके बाद हमारे ही एक रिश्तेदार ने यहीं इसी घर में, अब उसके पांव भारी हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, घर के सब लोगों के होश उड़ गए हैं। सावित्री बाई, कभी कभी ऐसा लगता है ये मर क्यों नहीं जाते। नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें काशी बाई की मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करें, पुणे से बाहर हमारा कोई सगा संबंधी भी तो नहीं है कि उसी के यहाँ भेज के चुपचाप बच्चा जन्मा दें। मैं उनसे बात करती हूँ, कोई ना कोई रास्ता वो जरूर निकालेंगे। कुछ भी हो, हमें इस संकट से बचाइए, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैं काशी बाई से मिल सकती हूँ? आप उससे मिलना चाहेंगे? हाँ, उनसे मिले बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको एतराज तो नहीं है ना? नहीं, उनको क्यों एतराज होगा, आप जाइए मिलाइए। काशी भाई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने तुम्हारे भाई से बात की है, मैंने उन्हें बताया है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की मदद करूंगी। एक चीज को समझ लो काशी भाई, मैं तुम्हारे परिवार को बेइज्जती से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूं, ना उस मर्द के लिए भी। मैं जो कुछ करूंगी वो तुम्हारे लिए करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। देखा बाबू साहेब, सारे उत्तरी हिंदुस्तान में उथल पुथल मच रही है और ये यहां आसन जमाए बड़ी शांति से पुस्तक लिख रहे हैं। आइए आइए आइए। तात्या साहेब, क्या लिखा जा रहा है? लिख रहा हूं, पुस्तक तो पूरी नहीं हुई लेकिन नाम पक्का कर लिया है, गुलामगिरी ऐसा नाम है। है तो अच्छा पर काफी उग्र है। मैं उग्र नाम ही तो चाहता हूं। खैर छोड़िए, उत्तरी हिंदुस्तान के बारे में क्या बताया? कानपुर और दिल्ली के इलाके में जबरदस्त विद्रोह हो गया है, अंग्रेजों की पलटनों के सैनिकों ने बगावत कर दी है, हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के राज का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ हूं और कोई टिप्पणी नहीं? इससे बड़ी टिप्पणी की जरूरत भी नहीं है,
अंग्रेज बाकी विद्रोह की तरह इसे भी कुचल देगा। सन 1822 से लेकर 46 तक महाराष्ट्र में क्या कम विद्रोह हुए? नतीजा हर बार अंग्रेज ने दबा दिया। हो सकता है इस बार सफल हो। हाँ, हो भी जाए सफल, फिर भी सवाल ये उठता है कि अंग्रेज की जगह कौन लेगा? वही लोग ना, जिन्होंने अपने हाथों अपना मुकुट अंग्रेजों को सौंप दिया था, देश को उसके चरणों में रख दिया था। विद्रोह और बगावत किस काम के अगर हमारा समाज नहीं बदलता? हजारों की संख्या में लोग शहीद होंगे और क्या रखा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होता, पुराना ढर्रा जैसे जात पात छुआछूत वगैरह कायम रहता है, तब तक अंग्रेज राज करे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज का सामना तभी किया जाए जब हमारे समाज के दोष समाप्त हो। लेकिन हमारा ये जो गेंडे की खाल वाला समाज है ना, उसमें थोड़ी तो सुखबुगी पैदा हो, हाँ, कहीं तो कुछ हिले चले, कम से कम ये तो महसूस करे कि दलदल से बाहर निकलना है। जब तक ये नहीं होता, तब तक संघर्ष करने से क्या फायदा है? मैं ऐसी देशभक्ति का कायल नहीं हूं जो सिर्फ मानती है कि हमारा समाज भला चंगा है। अरे, ब्रिटिश राज ने इस मुल्क में एक नई लहर दौड़ाई है। शिक्षा का विषय लो, क्या यह मुमकिन होगा कि सनातनी ब्राह्मण समाज हम पिछड़ी जात वालों के लिए पाठशाला खोलने दे? हालांकि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ब्रिटिशों का राज हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। फिर भी, अरे वाह, कोई मीटिंग चल रही है क्या? सभी मौजूद हैं जिनसे मिलना था। नहीं तकते साहब, हम लोग चलते हैं। हम लोग आए थे महज एक खबर देने, बात विवाद में बदल गई। ज्योतिराव का दूसरा नाम विवाद रावी है। अच्छा, चलो चलते हैं। आइए आइए छत्ते साहब, क्या ख्याल है, बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े। हमारा तो झंझट पुराना ही है, लेकिन आज एक नई बात बतानी है। हाँ, आज छत्ते साहब मुझे अपने एक दोस्त के घर ले गए थे। उनकी एक विधवा बहन है, उसी के किसी रिश्तेदार ने उसे फुसलाया और अब उसके गर्भ रह गया है। क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं, वो ब्राह्मण है। लेकिन मैं आश्वासन दे आई हूं। ये कोई असाधारण समस्या नहीं है सावित्री, लेकिन सनातनी ब्राह्मण अपनी विधवाओं को पुनर्विवाह करने की इजाजत नहीं देते तो ऐसा ही होगा। आखिर देह को कैसे नकारा जा सकता है, ये उन्हीं की अपनी बनाई हुई समस्या है। वो औरत बिल्कुल सत्ते में है, बुरी तरह से डर गई है। उनका कोई भरोसे का आदमी भी नहीं कि जिसके यहां प्रसूत हो सके। लेकिन वो लोग हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं? क्या हम उसे यहां अपने घर ला सकते हैं उसकी प्रसूति के लिए? यहां? क्या हमने ब्राह्मणों को कम उकसाए हैं जो ये भी करें? अच्छा सर, सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। आप ही कहा करते हैं ना कि हमारे समाज में औरतों के साथ शूद्रों जैसा बर्ताव किया जाता है। अगर ये सही है तो क्या फर्क पड़ता है कि औरत ब्राह्मण है? आखिर उसे भी तो सिर झुकाकर ही सहना पड़ता है। वाह 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 वाह, सुना तत्ते साहब, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पत्नी में इतना दम है। हाँ के अलावा कह ही क्या सकता हूँ अभी। मैं भाषण नहीं दे रही थी। मगर दे सकती हो, मुझे तुम पर गर्व है। तत्ते साहब, आप कल ही काशीबाई को लाने का इंतजाम कीजिए। कल ही ले आता हूँ, आलस सुबह। मैं अंदर वाली कोठरी खाली कराती हूँ। अच्छा, मैं सुनो, अगर हम जगह पा जाए तो इन विधवा जैसी औरतों के लिए आसरा घर या अनाथालय नहीं खोल सकते? आखिर ये गर्भवती औरतें कहां जाए, क्या कहते? मेरा तो कहना है कि इससे ज्यादा उनकी बड़ी सेवा नहीं की जा सकती। अगर हम ऐसा करते हैं तो कई विधवाओं को आत्महत्या करने से या भ्रूण हत्या करने से बचा सकते हैं। ठीक है, पहले आप काशीबाई को यहां ले आइए, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। ए ए ए, सोता है। काशी भाई, बच्चे का क्या नाम रखोगी? यशवंत। अच्छा नाम है, बहुत अच्छा। ए यशवंत बड़ा प्यारा नाम है, क्यों ना मैं उसे गोद ले ले। उसे परिवार चाहिए और हमें बच्चा। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, जरूर।
तात्या। हाँ कौन जमदाड़े? हाँ मैंने तो नहीं बुलाया, अभी हजामत की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मैं तो काशीबाई के काम से यहाँ आया था। वो विधवा आपके यहाँ जो रहती है उसका क्या काम? तो उसका सिर मुड़ने आया है? हाँ उसने ही तो संदेशा भेजा था। तूने हिम्मत कैसी की? तू नहीं जानता क्या कि मैं विधवा के केशवपन के खिलाफ हूं? हम केशवपन के खिलाफ आंदोलन चला रहे और तू उसकी हजामत करने आया है यहां मेरे ही घर में? नहीं नहीं नाराज मत होना तात्या, वैसे तो खुद मुझे ये काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूं उसने जो मुझे बुलवाया। मैं तुम पर नाराज नहीं हूं जमदाड़े, तुम्हारा भी क्या दोष, मगर तुमको अगर ये काम अच्छा नहीं लगता तो तुम और तुम्हारी जमात विधवा का केशवपन करने से साफ इनकार क्यों नहीं कर देते? ब्राह्मणों से कह दो कि अगर वो इस जंगली रिवाज को जारी रखना चाहते हैं तो उस तरह अपने हाथ में ले और अपनी विधवाओं का सिर मुंडे। असल में तुम लोगों को कहना चाहिए कि जब तक ब्राह्मण लोग इस भयानक रूढ़ी को खत्म नहीं करते ना, तब तक तुम लोग उनकी दाढ़ी मूछें नहीं बनाओगे। आपकी बात बिल्कुल सही है तात्या, जरा हिम्मत से काम लो तभी यह बंद होगा। हाँ यही एक रास्ता है। सन 1873 दलित आंदोलन का एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी वर्ष ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित की। पुस्तक की सामग्री ने सनातनी ब्राह्मणों में बेहद रोष पैदा किया। ज्योतिराव तुमने इतना बड़ा निवाला मुंह में रखा है कि न तुम चबा सकते हो न निकल सकते हो। वो मैं देख लूंगा, इस बार क्या तमाशा खड़ा किया है हेरम शास्त्री? ये पुस्तक, ये तुमने कैसे जुर्रत की कहने की कि मनु ने शूद्रों पर गुलामी ला दी? जाति प्रथा तो वेद की आज्ञा से पैदा हुई, अब ये क्या तुम्हारा दावा है कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा? मेरा पक्का विश्वास है हेरम शास्त्री कि संसार की कोई भी पुस्तक भगवान या किसी देवता ने नहीं लिखी है। अगर कुछ लोगों को यह मानने में परम आनंद होता है कि वेदों का निर्माण ईश्वर ने किया है तो वो खुशी से अपना भ्रम पाला करें, लेकिन शूद्रों और अतिशूद्रों को इस भ्रम से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये धार्मिक कहलाने वाले ग्रंथ ही उन्हें गुलामी में जकड़ते हैं। ज्योतिराव तुम लोगों को ब्राह्मणों से नफरत करना सिखा रहे हो। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों को मैं अपना भाई मानता हूं और इसीलिए उनके काले कारनामों पर शर्मिंदा हूं। ब्राह्मणों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा सारा संघर्ष ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। हेरम शास्त्री आप जितने जल्दी समझेंगे कि शूद्र जन ही इस देश की जीवन शक्ति है उतना ही अच्छा। अब तुम्ही से सलाह लेना बाकी बचा था। देखो ज्योतिराव हम बता देते हैं, ऐसी उल जलूल और गाली गलौज वाली किताबों से तुम समाज की सेवा नहीं कर सकते, समझे? ना भी कर सकते हैं शास्त्री जी, ये कहकर कि वेद और पुराण देवताओं के मुख से कड़े है, न ये फतवा देकर कि फुले ने उल जलूल और गाली गलौज वाली किताब छपाई है, न ये कहकर कि बकौल विष्णु शास्त्री चिपलून करके फुले पहले मराठी का व्याकरण सीखे और बाद में लिखने की सोचे। आप विद्वान कहलाने वालों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसने मेरे उठाए सवालों का जवाब दिया हो। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है इसलिए ये दो कौड़ी का बड़प्पन जता रहे हैं। ऊना शहर विद्वानों की नगरी कहलाती थी, आप जैसे के रहते वो शान भी जाती रही। हेरम शास्त्री आप हमारे साथ न चलकर देश को डुबो रहे हो, समाज परिवर्तन के माहौल को अभी आप रोक नहीं पाएंगे और अगर रोकने की कोशिश की तो समाज आपको निगल जाएगा पूरा के पूरा, फिर चाहे पानी पीकर कोसते रहना कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा। गुलामगिरी पुस्तक की सफलता से उत्साहित होकर ज्योतिबा फुले ने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की नींव डाली। मित्रों आप सब लोग जानते ही है कि राजा राममोहन राय के ब्राह्मण समाज और अपने यहाँ के प्रार्थना समाज, इन दोनों संस्थाओं को बहुत विद्वान लोगों ने जन्म दिया है। उनका ध्यान उच्च जाति के सुधार पर लगा हुआ है, वहां 101 बातूनी सुधारवादी जमा हो गए हैं। वर्ण व्यवस्था का असली रूप समझने में, उसे खत्म करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें आसमान पर चढ़ा हुआ मानते हैं। तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी वाला मामला दिखाई पड़ता है, जैसे कि परस्पर प्रशंसा क्लब हो। तात्या साहब जरा मुद्दा स्पष्ट करें। हाँ जरूर जरूर। आप श्रीयुत महादेव गोविंद रानड़े को जानते होंगे, एक प्रसिद्ध सुधारवादी है।
मेरे उनसे एक बार बातचीत हुई। राव साहब, मैं आपके दूसरे विवाह के सिलसिले में अभिनंदन करने आने वाला था, लेकिन मन नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र के सुधारवादियों के नेता है, अगर उद्दंडता माने तो क्षमा करे, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब आपकी उम्र का पुरुष 11 साल के कन्या के साथ विवाह करता है तो सुधार का काम आगे कैसे बढ़ता है। लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको मानते हैं, इसलिए किसी ने कुछ कहने का साहस नहीं किया। मैं ठहरा कुनबी किसान, मैं किसी से नहीं डरता, इसलिए कह रहा हूं। तात्या साहब, आप शायद नहीं जानते, मेरे पिता ने आग्रह किया इसलिए मुझे विवाह करना पड़ा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी पत्नी मुझसे काफी छोटी है। राव साहब, आपका यह विवाह ना आपकी हैसियत से मेल खाता है ना आपके सामाजिक विचारों से। जब आप ही जैसे सुधारक जो कहते हैं वही नहीं करते, तब आंदोलन 10 साल पिछड़ जाता है। मेरे विचारों में यह उचित नहीं है। मैंने ये आपको 2 साल पहले की घटना सुनाई, इससे मिलती जुलती घटना अभी हाल ही की है। एक श्रीयुत विष्णु शास्त्री पंडित को छोड़ दे तो इन ऊंची जात वाले सुधारवादियों में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी कहनी और करनी एक समान हो। यही राव साहेब रानड़े की बहन जब विधवा हुई तब जानते हैं उन्होंने क्या किया। तात्या साहेब, मैं आपके तर्क समझता हूं, मगर सच्चाई तो यह है कि हर आदमी इस विवाह के विरुद्ध है। आप तो जानते ही हैं कि पुणे शहर में लोग मुझे धर्मद्रोही कहते हैं। अपनी बहन का केश वपन मैंने होने नहीं दिया, इस पर ब्राह्मण मंडली भी मुझ पर खार खाए बैठी है। इस हालत में अगर मैं उसका पुनर्विवाह करा दूं तो समझ लीजिए कि ब्राह्मण मंडली छत्ते से छूटी मधुमक्खियों की तरह मुझे डसना शुरू कर देगी। और इससे आप खौफ खा गए और अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने को तैयार है। राव साहेब, आप उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो जीवन का सर्वोत्तम समय घर की अंधेरी कोठरी में स्तोत्र भजन का अनंत पारायण करते हुए गवा दे। बेहद अकेलेपन से झूसते झूसते एक दिन खत्म हो जाए। राव साहेब, अगर आप यही करने पर आमादा है तो मैं कहूंगा आपसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। आपकी सिर्फ जीभ चलती है, पांव नहीं। आप लोग राव साहेब और राव बहादुर की उपाधियां पाने के लोभी हैं, समाज के नेता कहलाकर हार पहनने की लालसा रखते हैं। आप झूठ मूठ के नए सुधरे हुए आधुनिक विचार के कहलाना चाहते हैं आप। राव साहेब, क्या आपकी आत्मा को ब्राह्मणी कट्टरता और कर्मकांड चाटकर साफ कर चुके हैं? अरे आपसे तो हम कुनबी किसान भले, हमारी कोई औकात नहीं, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वही आचरण में उतारते हैं। मुझे बहुत दुख है, बहुत निराशा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस सड़ी गली सामाजिक मान्यताओं के सामने घुटने टेक देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऊंची जात वालों का सुधार आंदोलन में शामिल होना किसी क्लब की गप्पा गोष्ठी में शामिल होने के बराबर है। लोग उनके तारीफ के पुल बांधेंगे, उन पर किताबें लिखेंगे, लेकिन समाज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। समाज को आगे ले जाने का काम शूद्रों और अतिशूद्रों को ही करना पड़ेगा, और इसी लक्ष्य से सत्य शोधक समाज की स्थापना की जा रही है। मित्रों, मेरी आपसे विनती है कि आप माने ईश्वर एक है और सारे मनुष्य उसके बच्चे हैं। मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप अपने और ईश्वर के बीच में किसी को बिचवाई न माने। हमें पंडो पुरोहितों की गरज नहीं है, वो जन्म विवाह मरण आदि के नाम पर हमें ठगते हैं, उन्हें हमेशा के लिए हटा दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब इतिहासकार कहेंगे कि सत्य शोधक समाज भारत की पहली संस्था थी जिन्होंने सही अर्थ में सुधार किए। मित्रों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्य शोधक समाज के सदस्य बने। आप मुझे कार्यकर्ता दीजिए
जो गांव देहातों में जाकर वर्ण व्यवस्था के प्रति संघर्ष करें। अगर वो गा सकते हैं तो और भी अच्छा है, वो डब पर गाना गाए और हमारा संदेश पहुंचाएं। बड़ा ही नेक देता जो सबको उजाला, एक चांद भी होते नहीं अनेक, मेघ का जल भी सबको एक, क्यों न तब मानव हो सब एक जी जी, क्यों न तब मानव हो सब एक जी जी, क्यों न तब मानव हो सब एक जी। मनुज है ईश्वर का वरदान, सभी को सिरजा एक समान, खोखली ब्राह्मण पन की शान, झूठ है छुआ छूत की बान, कहे ज्योति बात सच को पहचान जी जी जी, कहे ज्योति बात सच को पहचान जी जी जी, कहे ज्योति बात सच को पहचान जी 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 जी। हाँ, अच्छा हुआ डॉक्टर भूले जो अब फौरन चले आए। मुझे पता चला है कि विष्णु शास्त्री चिपलूनकर बहुत बीमार है, मैं चाहता हूं कि आप उनकी जांच करें। तात्या साहब, विष्णुपन सनातनियों के नेता है, आप पर कीचड़ उछाला करते हैं, अपने आप को मराठी भाषा के शिवाजी महाराज कहते हैं, आपकी बदनामी का मौका ढूंढते रहते हैं। उन्हें देखने मैं जाऊं, पूना में बहुत से ब्राह्मण डॉक्टर हैं, आप मुझे इसमें क्यों घसीटते हैं? पूना में डॉक्टर जरूर है डॉक्टर घोले, लेकिन आपकी बराबरी का एक भी नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि विष्णु शास्त्री नेक आदमी है, उनकी देशभक्ति की सराहना करनी होगी। वे जीप चलाने वाले सुधारवादियों में से नहीं है, उनके विचार और आचार में फर्क नहीं रहा है। ऐसे सनातनियों का विरोध तो करना ही होगा, लेकिन उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, जाति तौर पर गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। जाइए, अब जाकर उन्हें देखाइए। ठीक है, आइए डॉक्टर साहब, आइए। विष्णु शास्त्री के पेट में आग मची हुई है, वैद्य ने दवा दी मगर कोई असर नहीं हुआ, दर्द में तड़प रहे हैं, चीख चीख पड़ते हैं। आइए। शास्त्री जी, शास्त्री जी, डॉक्टर साहब आए हैं। यही कुनबी डॉक्टर मिला पूरे पूना शहर में? अरे मरना तो मुझे है ही, कम से कम शूद्र की छुई दवा खाकर तो ना मरने दो। तुम्हारी दी हुई दवा खाने से मैं जहर खाना ज्यादा पसंद करता हूं। तुम लोग ब्राह्मणों और आर्य धर्म से नफरत करते हो, करते हो ना? अरे तुमसे तो पादरी भला, तुम्हारी खोपड़ियों में ईसाईपन घुस गया है। जाओ जाओ डॉक्टर, निकलो, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, जाओ। ब्राह्मण द्रोही डॉक्टर से मुझे इलाज नहीं कराना, जाओ। माफ कीजिए डॉक्टर घोले, मुझे पहले ही समझना चाहिए था कि विष्णु शास्त्री आपका अपमान कर सकते हैं। खैर, अब तो वो गुजर गए, लेकिन अफवाह यह है कि शास्त्री जी ने जहर खा लिया था। पुलिस उनके घर वालों से सर्टिफिकेट मांग रही है डॉक्टर का, कि शास्त्री जी की मौत कुदरती कारणों से हुई है। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उनकी लाश को जलाने की पुलिस इजाजत नहीं देगी। डॉक्टर, मैं आपको और एक बार तकलीफ दूंगा, शायद आपको पसंद ना हो, पर शास्त्री जी का नजरिया संकरा था, ठीक है, लेकिन उनकी निष्ठा निस्संदेह मजबूत थी। ऐसे व्यक्तित्व के मृत्यु के बाद ऐसी छिछालेदर हो, यह ठीक नहीं है। कल आपने उन्हें देखा था, आप सर्टिफिकेट लिख दीजिए कि शास्त्री जी प्रकृति नियमानुसार सिधार गए। तात्या साहब, आपकी सहनशीलता और उदारता की सीमाएं नहीं है, मैं ये सर्टिफिकेट लिख दूंगा, मगर शास्त्री जी ये मेरा सर्टिफिकेट कभी कबूल नहीं करते। मौत ने यह भी समस्या समाप्त कर दी है, मौत के साथ साथ बैर भी मिट जाता है। ये कहावत सिर्फ सुनी थी, पढ़ी थी,
मगर आज उसके सचिव दर्शन भी कर लिए। महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे जैसे गैर पढ़े लिखे और मामूली आदमी के लिए जो प्रेम जो भक्ति दिखाई है उसके लिए आभार प्रकट करने को मेरे पास शब्द नहीं है। हाल ही में हरेराव जी के मकान पर ड्यूक और डचेस ऑफ कनाट को बड़ा खाना दिया गया। मुझे भी वहां आमंत्रण देकर बुलाया गया था, लेकिन मुझे अंदर जाने से रोका गया क्योंकि मेरे शरीर पर किसान के मामूली कपड़े थे। बाद में जब हरेराव जी ने मुझे ड्यूक से मिलाया तब मैंने ड्यूक से कहा कि ये जो सब आप देख रहे हैं वो असली हिंदुस्तान नहीं है। ये ऊंची वेशभूषाएं, ये हीरे जवाहरात, ये शान शौकत, ये हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि ये सड़े हुए पानी की सतह पर फैली हुई काई है। असली हिंदुस्तान जहां पर आपकी माता रानी विक्टोरिया राज करती है वो गांव देहातों में है, जहां लाखों भूखे नंगे लोग पेड़ों की साये तले भूख मंगे की जिंदगी गुजार देते हैं, जहां अज्ञान है, जहालत है, जात और धर्म के नाम पर होने वाला शोषण है, जहां अच्छा भला इंसान जानवर की तरह रहने पर मजबूर किया जाता है, वो असली हिंदुस्तान है। मैंने ड्यूक से यह भी कहा कि क्या योर रॉयल हाइनेस आप उस हिंदुस्तान को देखने का कष्ट करेंगे? महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। इन्हीं लाखों लोगों के अधिकारों की मांग पूरी करने के खातिर हमने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, लेकिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, इसलिए हमें अपने संघर्ष को और भी आगे बढ़ाना है। ऊंची जात वालों ने सार्वजनिक सभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा हिंदुत्व के नाम पर ज्यादा अधिकार मांगते हुए आंदोलन शुरू किया है, यह अच्छा है। महात्मा ज्योतिबा फुले की सन 1890 में मौत हुई। इसके 30 साल बाद सबकी खातिर अधिकार मांगने के लिए राजनीतिक आंदोलन का उनका सपना तब पूरा हुआ जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस आम हिंदुस्तानी की संस्था बनी। सन 1932 में जब महात्मा गांधी को येरवड़ा जेल में बंद कर दिया गया तब उन्होंने ज्योतिबा के सपने को सही मानते हुए कहा था, ज्योतिराव फुले सच्चे अर्थों में महात्मा थे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप सत्यशोधक समाज से जुड़े रहिए, सत्यशोधक समाज के काम को आगे बढ़ाइए। अगर हम में एकता रहेगी तो हम समाज को बदल सकते हैं। अगर शूद्र सब मिल के मेहनत करेंगे तो सच है कभी भी न भूखो मरेंगे। तो सच है कभी भी न भूखो मरेंगे। अगर शूद्र बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इंसान की जिंदगी वो जिएंगे। तो इंसान की जिंदगी वो जिएंगे। भरा दुर्गुणों से उसे भीख मत दो, शराबी जुआरी को आश्रय नहीं दो। जो चूसे लहू धर्म कहते न उसको, सिखाए जो नफरत नहीं धर्म है वो। सिखाए जो नफरत नहीं धर्म है वो। मुसलमान हो शूद्र हो या ईसाई, सभी उसके बंदे सभी भाई भाई। सभी उसके बंदे सभी भाई भाई। ये ऊंचा ये नीचा यही है बुराई, नहीं देश की इससे होगी भलाई। नहीं देश की इससे होगी भलाई। जहाँ सत्य रहता वही पर तो ईश्वर, जहाँ पर है ईश्वर है आनंद वही पर। जहाँ पर है ईश्वर है आनंद वही पर। बिना ज्ञान के सत्य पावो तो क्यों कर, है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान कावर। है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान कावर। है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान कावर।
है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान का बल। जाति प्रथा की वजह से माजी में कई जन समूहों पर अत्याचार तो होते आए हैं, साथ ही साथ दिमागी काम और हाथ की कारीगरी में फासला रहा है। दर्शन और फलसफे का आम जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। हमें इस जहनियत को पूरी तरह बदलना होगा, क्योंकि ये आधुनिक हालात और जमहूरी असूल के बिल्कुल खिलाफ है। जमाना बराबरी के हक में है, और कम से कम हिंदुस्तान में बराबरी हमारी मंजिल होनी चाहिए। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहू जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।